लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया यूजर आपकी वेबसाइट पे आया वो किस कंट्री से आया, किस सिटी से आया, किस रीजन से आया, किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, क्या उसका एज ग्रुप है, क्या जेंडर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो किस डिवाइस से आया, क्या स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसकी, किस ब्राउजर से आया और वो किस iOS से आया। तो अगर ये सब कुछ जानना आपको तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये जो डाटा है आपको मिलेगा रिपोर्ट्स के सेक्शन के अंदर। रिपोर्ट्स में आके आपको जो नेक्स्ट नेविगेट करना है वो है यूजर का सेक्शन। यूजर के अंदर आपको टेक के ओवरव्यू के अंदर ये सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको कि यूजर आया वो किस डिवाइस से आया, किस iOS से आया, मतलब किस वो ऑपरेटिंग सिस्टम से आया। तो ये सारा डाटा हम एक्सप्लोर करते हैं अभी। ये अभी हमारे पास 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जितने भी यूजर्स आए हैं 100% वो हैं वेब से, वेबसाइट से आए, कोई भी ऐप से नहीं आया क्योंकि हमारी ऐप है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें शो हो रहा है कि आपके पास लास्ट 30 मिनट्स में जो यूजर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, और वो किस डिवाइस से आए हैं। तो जो 5 यूजर्स अभी शो कर रहा है मेरे, वो अभी वेबसाइट से आए हैं। उसके बाद अगर आप इनको मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो व्यू प्लेटफॉर्म पे जाके इस सेक्शन पे आपने क्लिक करना, आप नेविगेट हो जाएंगे इसकी डिटेल पे। उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूजर आया वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आया, वो आपके विंडोज से आया, वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल से आया, आपके iOS से आया, वो लिनक्स से आया, वो किस मतलब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम से आया, अगर उसका डाटा देखना है। अगर आपको कैंपेन्स लाइव करनी है, अगर आपको प्रमोशंस करनी है, तो ये एनालिटिक्स जो होते हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। अब अगर मुझे अपनी कैंपेन लाइव करनी है तो मैं स्पेसिफिक एंड्रॉयड के यूजर्स को रख के ताकि मैं स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकूँ और मेरी कम से कम बजट स्पेंड करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ मैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये आप सिर्फ एंड्रॉयड के यूजर्स को टारगेट या विंडोज़ के और विंडोज़ के भी इंक्लूड करके इन दोनों को टारगेट करके आप मैक्सिमम चंक अपनी सेल का जनरेट कर सकते हैं इनसे। उसके बाद आपको देखने को क्या मिल रहा है कि किस कैटेगरी, किस डिवाइस से आपके पास यूजर्स आए, कि आपके पास वेब के थ्रू आए, मतलब ऐप क्योंकि है ही नहीं तो वो कहाँ से आएंगे, वेब के थ्रू आए और उनकी डिवाइस कौन सी थी, वो मोबाइल थी, वेब के थ्रू आए और उनके पास डिवाइस कौन सी थी, वो लैपटॉप था, वेब के थ्रू आए और उनके पास डिवाइस कौन सी थी, वो उनके पास टैबलेट था। तो ये सारा डाटा आपको मिलेगा यूजर बाय प्लेटफॉर्म डिवाइस कैटेगरी के सेक्शन में। तो मेरे पास जो वेब से यूजर आए, वेब मोबाइल से, मोबाइल से जो मेरे पास यूजर्स आए वो 2.2K हैं। अब इधर भी एक डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि मैं सिर्फ एंड्रॉयड में मोबाइल यूजर्स हैं उन्हीं को टारगेट करूँ, जो टैबलेट्स वाले हैं उनको टारगेट ना करूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे जो काउंट है वो नहीं दे रहे, इंटरेस्ट नहीं रख रहे मेरे प्रोडक्ट में, विजिट नहीं कर रहे। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, किस ब्राउजर से यूजर आए। अब देखें क्रोम, मैक्सिमम लोग क्रोम यूज कर रहे हैं, जो उनका काउंट है वो है 2110, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उन यूजर्स को टारगेट कर रहा हूँ जो सिर्फ क्रोम यूजर्स होंगे, वो बाकी जो अदर ब्राउजर है जैसे सफारी है, हमारे पास एंड्रॉयड वेब व्यू है, एज है, ओपेरा है, इनको यूज नहीं करते, ठीक है। तो मैं इनको एक्सक्लूड करूंगा, इनको टारगेट ही नहीं करूंगा ताकि मेरी जो सेल का चंक है वो टारगेटेड हो सके और मुझे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। उसके बाद यूजर जो आए वो किस किस डिवाइस से आए आपके पास, वो मतलब आपके पास मोबाइल से कितने परसेंट यूजर हैं, आपके पास डेस्कटॉप से कितने परसेंट हैं, आपके पास टैबलेट से कितने परसेंट है। इधर मेरे पास मैक्सिमम जो 72% जो यूजर्स हैं मेरे वो मोबाइल से आ रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में ये काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। उसके बाद वो यूज़र किस किस स्क्रीन रेजोल्यूशन से आ रहे हैं, तो मेरे पास जो मैक्सिमम यूज़र स्क्रीन रेजोल्यूशन से आ रहे हैं वो 360 बाय 800 से आ रहे हैं। उसके बाद 1366 बाय मल्टीप्लाई बाय 768, तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है यूज़र किस किस स्क्रीन से आपके पास विजिट कर रहा है। उसके बाद आपका यूजर किस किस ऐप के किस वर्जन से आपके पास विजिट कर रहे हैं, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, iOS का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, आपके पास यूजर आ रहे हैं, तो अगर उनकी ट्रैकिंग आपको देखनी है तो वो आप इस सेक्शन में ये जो ये चार्ट शो हो रहा है इससे आपको पता चल सकता है। उसके बाद आपकी लेटेस्ट ऐप रिलीज वर्जन के जो ऐप के वर्जन हैं उनके थ्रू यूजर, ये सेम चीज है,
उसके बाद ये कुछ चीजें थी। तो आई होप आपको जो टेक रिलेटेड डाटा कि सपोज यूजर किस डिवाइस से आया, किस आईओएस, किस ब्राउजर से आया, किस स्क्रीन रेजोल्यूशन से आया, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।